भगवानपुरा जनपद के ग्राम अजन गांव के मोड़ फाल्हा में डीजल टैंकर हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। सुबह तक मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7 हुआ, बाद में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी का उपचार इंदौर के एम्बाय अस्पताल में किया जा रहा था। मौत की खबर लगते ही गांव में हर तरफ मातम छा गया, घरों में ताले लटकते रहे। जानकारी के अनुसार बुधवार 26 अक्टूबर सुबह अजन गांव के समीप अंधी मोड़ पर पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया था, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक महिला की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शनिवार को 7 लोगों ने और दम तोड़ दिया। सभी का अंतिम संस्कार अजन गांव में किया जाएगा। तहसीलदार मुकेश मचार, जब सीईओ आरिफ खान, सरपंच डॉक्टर उमराह वास्कले एवं भाजपा नेताओं ने रेडक्रॉस की ओर से 25,000 की राशि के चेक वारिस को प्रदान किए। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की है। खरगोन से जय गुप्ता की रिपोर्ट।